नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद सतत प्रस्तुत किए जा रहे विषय से अलग हटकर आज मोपला नरसंहार पर चर्चा इसलिए क्योंकि 100 वर्ष पश्चात इस घटनाक्रम, इसके कारकों, इसके महिमा मंडन और वास्तविकताओं पर बात करना एक इतिहास से संबद्ध चैनल में आवश्यक प्रस्तुति हो जाती है। मैं खिलाफत को विषय बनाकर मोपलाओं तक पहुंचना चाहता हूं। क्या था खिलाफत आंदोलन? वस्तुतः तुर्की के खलीफा को उनकी गद्दी से हटा देने की परिस्थितियां सामने थी। खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमानों का प्रतिरोध अंततः निष्कर्षहीन और अनावश्यक कवायद सिद्ध हुआ था। हरे झंडे जब भारत की शांति भंग कर रहे थे, तब हास्यास्पद घटना यह हुई कि तुर्की के सुल्तान को उसके अपने ही साम्राज्य की जनता ने कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में देश निकाला दे दिया। सत्यता यह है कि यह विशुद्ध धार्मिक तुष्टिकरण था जिसकी आंच खिलाफत से आरंभ होकर वर्तमान राजनीति की भी कड़वी सच्चाई है। सोच कर देखिए कि जब पराधीन भारत में खलीफा के समर्थन में ध्वज उठाए जा रहे थे, तब शेष दुनिया के किस मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र में ऐसी अशांति या अराजकता देखी जा रही थी? कहीं भी नहीं। इसी खिलाफत की कोख से मोपलाओं की उत्पत्ति हुई थी, जिन्होंने आंदोलन के नाम पर अंततः इसको एक घृणित सांप्रदायिक स्वरूप प्रदान किया था। इससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि मोपलाओं द्वारा किए गए नरसंहार को कृषक क्रांति या अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह बताने वाली बेशर्म वामपंथी कथित इतिहासकार कलमें बहुतायत हैं। मोपला विद्रोह नहीं, विशुद्ध सांप्रदायिक दंगा था जिसने वर्ष 1921 में 10,000 से अधिक लोगों की जान ले ली। कौन थे मोपला? वस्तुतः यह शब्द मलयाली भाषा बोलने वाले उत्तरी केरल के मालाबार में अवस्थित मुसलमानों के लिए प्रयोग में लाया गया है। जिस दौर की चर्चा इस विमर्श में हो रही है, उन समयों में मालाबार परिक्षेत्र की कुल आबादी का 32% मोपलाओं का हुआ करता था। मोपलाओं का कारोबारी वर्चस्व पुर्तगालियों के दौर से ही रहा है। अंग्रेजों ने अपने मतलब के लिए सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाया, यह बात आंशिक सत्य है। मोपलाओं को भड़काने में उनके ही कट्टर धार्मिक गुरु व खिलाफत के कारण एकीकृत हुई सांप्रदायिक भावनाएं सक्षम थी। हम मोपला नरसंहार, उसके कारणों व विभीषिकाओं पर चर्चा करेंगे, परंतु पहले बात करते हैं कि वामपंथ ने नरसंहार को आंदोलन लिखने और सिद्ध करने में कोई कोर कसर क्यों नहीं छोड़ी। दरअसल आप मोपलाओं की हत्या शैली और प्रवृत्ति को समझेंगे तो नक्सलियों के झंडे के लाल रंग के निहितार्थ भी आसानी से समझ पाएंगे। यह सभी जानते हैं कि वामपंथियों के लिए मजदूर और किसान उनकी विचारधारा का हिस्सा नहीं बल्कि स्वयं के प्रचार प्रसार का टूल भर है। मोपलाओं द्वारा की गई विशुद्ध सांप्रदायिक हिंसा को यह कहकर जस्टिफाई किया जाता है कि किसानों द्वारा जमींदारों के विरुद्ध हिंसक विद्रोह था। चूंकि उत्तरी मालाबार क्षेत्र में अधिकतम जमींदार नंबूदिरी ब्राह्मण थे और उनके खेतों में काम करने वाले अधिकांश किसान मोपला थे। याद कीजिए 70 के दशक में पश्चिम बंगाल से आरंभ हुए चारू मजूमदार के दौर का, नक्सल आंदोलन और उनके कैडरों द्वारा की गई निर्मम हत्याओं का, वे भी जमींदार और किसान के नाम पर लाल विचारधारा का प्रचार प्रसार ही तो कर रहे थे। मोपलाओं ने जैसी हत्या की वैसी ही नक्सली हत्यारे करते रहे। नक्सलियों की वर्ग दुश्मन वाली अवधारणा मैं और मेरे जैसे लोगों को ही जिंदा रहने का अधिकार है के सिद्धांत पर आधारित है। मोपलाओं के लिए यहां मेरा धर्म महत्वपूर्ण था।
वर्ग दुश्मन की हत्या के कारण और तौर तरीकों पर भी नक्सल वारदातों के प्रणेता चारू मजूमदार स्पष्ट थे। लिबरेशन पत्रिका फरवरी 1970 में चारू मजूमदार ने लिखा, जिस व्यक्ति ने वर्ग दुश्मन के खून में अपने हाथ नहीं डुबोए हैं उसे कम्युनिस्ट नहीं कहा जा सकता। इस नक्सल ब्रह्म वाक्य के आलोक में जाने कि कथित किसानों ने जमींदारों के साथ राक्षसों से बदतर व्यवहार किस तरह किया था। सितंबर 1969 अंक लिबरेशन पत्रिका में कथित किसान का गर्व से भरा कृत्य है, मैंने सिर पर वार किया और एक झटके में उसका काम तमाम कर दिया, पर यह काफी नहीं जान पड़ा सो अन्य किसानों ने उसके तीन टुकड़े कर दिए। एक ने तो मरे हुए जमींदार के पेट में अंदर तक छुरा घोंप दिया था। या दिसंबर 1969 में नक्सल पत्रिका लिबरेशन में छपा, यह सुने, इसके बाद हमने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और उसके घर के आगे उसे लटका दिया तथा उसी के खून से ऐसे नारे लिखे जैसे चेयरमैन माओ जिंदाबाद। अब इससे भी विभत्स दृश्यों को जानना समझना है, मोपलाओं ने कैसे कथित किसान आंदोलन की आड़ में सांप्रदायिक हिंसा का तांडव किया, तो विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तक है मोपला अर्थात मुझे इससे क्या, अवश्य पढ़ें, बहुत तथ्य परक है। हादसे से गुजरे लोगों की आप बीती है, भीतर तक आप सिहर जाएंगे। सबसे मूल बात कि नक्सलियों की जो कार्यशैली है, मजदूर किसान का नाम लेकर वर्चस्व फैलाने के लिए जिस तरह वे हिंसा को जस्टिफाई करते हैं, ठीक यही मोपला नरसंहार के परोक्ष में हुआ है। सांप्रदायिक हो चुके मोपलाओं द्वारा जमीनी स्तर पर जैसी क्रूरता की गई, लाल कलम से उसे सही ठहराने में कोर कसर भी नहीं रखी गई है। क्यों हुआ था मोपला नरसंहार? क्या राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से इसका कुछ भी लेना देना था? एक मत है कि यह खिलाफत आंदोलन का ही विस्तारित संस्करण था। अंग्रेजों ने खिलाफत बैठकों को अवैध घोषित कर दिया था, इसके विरोध में मालाबार में हिंसक प्रतिक्रिया हुई। क्या इतना ही सत्य है? एक महत्वपूर्ण पुस्तक है मालाबार और आर्य समाज, इसके विवरणों की प्रासंगिकता इसलिए भी अधिक है क्योंकि प्रथम संस्करण वर्ष 1923 में प्रकाशित हुआ था, अर्थात घटनाक्रमों का सबसे सामयिक दस्तावेज। मालाबार परिक्षेत्र में 10 तालुके थे जिनमें से 4 अर्थात कालीकट, अरनाड, बलवानाड और पुनानी में सर्वाधिक अराजकता फैली थी। जनसंख्या का समीकरण देखें तो इन्हीं 4 तालुकों में मुस्लिम जनसंख्या हिंदुओं और ईसाइयों की तुलना में अधिक अथवा बराबर थी। 19 अगस्त वर्ष 1921 को अरनाड तालुके के तुरुनगांडी गांव में मोपला नेता अली मुसलियार को पकड़ने के लिए पुलिस आई हुई थी। मोपलाओं ने ढाल का काम किया और ब्रिटिश पुलिस अली मुसलियार को नहीं पकड़ सकी, बल्कि उनके इस प्रयास के बाद मोपला उग्र हो गए। पहले उन्होंने सरकारी इमारतों और गाड़ियों पर हमला किया, फिर एकाएक उनका निशाना ब्रिटिश नहीं बल्कि स्थानीय हिंदू बन गए। किसी जमींदार ने नहीं उकसाया, मामला ही अलग था, फिर निशाने पर हिंदू क्यों? यह पुस्तक मालाबार और आर्य समाज आप अवश्य पढ़ें, जिसमें मोपलाओं की प्रतिदिन की नृशंसताओं की डायरी आपके सामने होगी। कार्यक्रमों की अपनी सीमा होती है, अतः मैं केवल मुख्य बातें ही इशारों में अथवा संक्षेप में कहने के लिए बाध्य हूं। इस पुस्तक में अनेक प्रत्यक्ष दर्शियों के बयान हैं जो बताते हैं कि कैसे अनेकों कुएं उन हिंदुओं की लाशों से पटे थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया था। धर्म परिवर्तन किसी खिलाफत या कथित किसान आंदोलन की अनिवार्य शर्त क्यों थी, कभी सोचा है? प्रश्न यह है कि यदि खिलाफत आंदोलन का एक्सटेंशन था मोपला नरसंहार, तो यह किसानों का आंदोलन किस तरह हुआ? चलो यह माना कि अधिकांश मोपला किसान थे, इसलिए खलीफा के हक की लड़ते लड़ते अपने हक के लिए भी लड़ गए होंगे।
ऐसे में सोचिए कि यह झगड़ा अंग्रेज सरकार की नीतियों के विरुद्ध होना चाहिए था, जमींदारों के विरुद्ध होना चाहिए था, यह हिंदुओं के विरुद्ध जिहाद किस तरह बन गया, मंदिरों पर हमले क्यों हुए, धर्म परिवर्तन की असंख्य कहानियां इससे क्यों जुड़ी हैं, हत्या और विभत्स बलात्कार की व्यथाओं को अंजाम देने वाले इस तरह अपना कौन सा हक पाना चाहते थे। इससे भी बड़ी बात यह कि अनेक पांडुलिपियों और ताड़पत्रियों को जला दिया गया, नष्ट किया गया, यह कथित किसान आंदोलन के लिए क्यों अनिवार्य था। एमशम में एक नंबूदरी ब्राह्मण के पास समृद्ध निजी पुस्तकालय था जो प्राचीन पुस्तकों से भरा पड़ा था। बख्तियार खिलजी के मोपलावतारों ने उसमें आग लगा दी। क्या इससे कथित आंदोलनकारी किसानों के खेतों में बारिश बेहतर होने वाली थी? पुस्तक में सैकड़ों पीड़ितों के बयान सम्मिलित हैं जिन्हें पढ़कर आपकी रूह कांप जाएगी। मेरा अपने श्रोताओं से अनुरोध है कि भारतीय इतिहास को मूल दस्तावेजों से जानने का प्रयास अवश्य करें। मैंने लाल इतिहासकारों के अनेक तर्कों का संग्रहण किया जिसमें खिलाफत के इस सांप्रदायिक विस्तार को समझने का अवसर मिला। कुछ के अनुसार यह किसानों का आंदोलन था जिसकी जड़ें पुर्तगालियों के दौर में ही पड़ गई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद अनेकों वर्षों तक उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर किसानों के विद्रोह हुए जिसकी कड़ी में मोपला भी एक है। मेरा प्रश्न है कि औरंगजेब को जजिया कौन दे रहा था? उनके शासन में दबा हुआ किसान किस धर्म का था? औरंगजेब के बाद अपने हक के लिए यदि किसान आंदोलित हुआ तो वह केवल मुसलमान नहीं रहा होगा, अर्थात मोपला का इससे कुछ लेना देना नहीं। दूसरा कारण भी इतिहास से ही ढूंढकर निकाला गया है जिसके अनुसार टीपू सुल्तान के दौर में अनेक ब्राह्मण व हिंदू धनाढ्य भागकर मालाबार में आकर बस गए थे जो बाद में अपने धन बल से शोषक बने। इस तर्क में बड़ा झोल यह है कि भागने वाले हिंदू आखिर टीपू सुल्तान के शासन में उसके शासित क्षेत्रों में शांति से क्यों नहीं रह सके? पलायन करने वाला शोषक होता है अथवा शोषित? तीसरा तर्क दिया जाता है कि ब्रिटिश दौर में रैयतवाड़ी महावाड़ी जैसे लैंड सेटलमेंट्स हो रहे थे जिनके माध्यम से अंग्रेजों ने जमींदार वर्ग को निरंकुश बनाया। सोचिए कि कृषि नीतिगत ये बदलाव सभी धर्मों के किसानों पर समान रूप से लागू थे, सभी पिस रहे थे। मोपलाओं को ध्यान में रखकर कोई कानूनी धारा उपधारा तो नहीं गढ़ी गई थी। घालमेल यह है कि वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन आरंभ हुआ था। जैसे ही खिलाफत आंदोलन हिंसक और सांप्रदायिक हुआ, महात्मा गांधी सहित अनेक मुस्लिम नेताओं ने इससे अपनी दूरी बना ली थी। खिलाफत आंदोलन के ढहते हुए छोर को मोपलाओं ने उग्रता के साथ थामा। मोपलाओं की फैलाई अराजकता जिन नारों और झंडों के साथ आरंभ हुई वह किसी से छिपा नहीं है। तत्कालीन नेताओं ने कैसे और क्या भाषण दिए इसका जिक्र करना उचित नहीं होगा। इतना ही जानना आवश्यक है कि केवल जमींदार नहीं, सभी हिंदू मोपलाओं के निशाने पर थे और भारी नरसंहार किया गया। इन एकतरफा सांप्रदायिक दंगों की व्यापकता समझे कि अंग्रेजों को एक स्पेशल बटालियन मालाबार स्पेशल फोर्स का गठन करना पड़ा। इसके बाद भी उन्हें वर्ष 1921 के अंत तक का समय मोपला नरसंहार को रोकने में, इस पर नियंत्रण पाने में लग गया। एक घटना जो नवंबर 1921 में घटित हुई मोपलाओं को सहानुभूति देने या स्वतंत्रता सेनानी सिद्ध करने वाली बन गई। मोपला नरसंहार में सम्मिलित अनेक दंगाइयों को अंग्रेजों द्वारा एक माल डब्बे में भरकर तिरूर से पोदनूर की केंद्रीय जेल में स्थानांतरित किया जा रहा था। अंग्रेज
उस दौर में कैदियों को इसी अमानवीय तौर से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया करते थे। माल डिब्बे में घुटन बढ़ गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई और ट्रेन अपने पड़ाव तक पहुंचती इससे पहले ही 67 कैदियों की दम घुटने से मौत हो गई। यह घटना वैगन ट्रेजेडी के नाम से जानी जाती है। अंग्रेज तो भारतीयों को पशु ही समझते थे, उनके कृत्यों की जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन वैगन ट्रेजेडी किसी भी तरह दंगाइयों को स्वतंत्रता सेनानी नहीं बना सकती। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR द्वारा भी मोपला नरसंहार से जुड़े व्यक्तियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची से हटाने की सिफारिश की गई है, जो स्वागत योग्य है। इतिहास लाल विचारधारा के मकड़जाल की साफ सफाई के बाद ही भली भांति सामने आ सकता है। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।